सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। नमस्कार, इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना शेख, महाराष्ट्र जिला जलगांव से। देखते रहिए आज की बड़ी खबर। सोयगांव शहर में लॉकडाउन की वजह से गंभीर समस्या। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ती जा रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो गरीबों का यही कहना है कि चावल के साथ साथ तेल, मिर्ची, शक्कर ये सब देना चाहिए। न्यूज रिपोर्टर यासीन बेग की रिपोर्ट, सोयगांव। देखते रहे इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। काम करते मैं ड्यूटी पे आए ले सोएगा को हैंडपम्प कर्मचारी मदद निस मैकेनिक बोल के शहसी गाँव मेरी तरफ भी वही जा गाँव जाता ना मीडिया साहब, तो वहाँ वहाँ जरा कुछ लोग गड़बड़ करते, पुलिस लोग बहुत सहारा देते, पुलिस लोग अपने जी के ऊपर होके अच्छी कामगिरी बजा रहे, उन लोग कुछ कुछ जो सहारा नहीं साथ नहीं करते, उनको ये गलत है। ये जो लॉकडाउन चालू है अभी फिलहाल, इसके बारे में आपकी क्या राय? वो जो गवर्नमेंट ने जो अच्छी तरीके से नियोजन कर दो लॉकडाउन का, वो बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। पहला टप्पा हुआ वो कम गिरे थे, दूसरे टप्पे में आ गए कुछ तरुण बच्चे ने और कुछ लोगों ने गड़बड़ करी, इसे बेरोजगारी पैदल गए कुछ यूपी के इधर उधर के लोग, इस बारे में बढ़ गई हो दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, मालेगांव, पाचोरा, सोयगांव के बाजू में पाचोरा है, वो भी इस बारे में लोगों ने गड़बड़ कर दी, तो और दूसरा टप्पा बढ़ाना पड़ा। दूसरे टप्पे में भी नहीं हुआ तो और तीसरा टप्पा बढ़ाना पड़ा, नहीं तो पहले टप्पे में ख़त्म हुए थे तो लोग लॉकडाउन नहीं होते थे, जिसके उसके बाजू में भेजते थे। गवर्नमेंट को भी लगी नहीं कि इतने लंबे जाएगा, थोड़ी में हो जाएगा ऐसा गवर्नमेंट को लगता था, पर गवर्नमेंट को इतनी आगे की सोच नहीं थी कि लंब जाएंगे, बच्चे गड़बड़ करेंगे, इसके वजह से उनको लंबाना पड़ा वो लॉकडाउन। तो अच्छी तरह से करते बन, जहाँ लोग जहाँ कोई भाग्य नहीं है वहाँ भूखे मर रहे गरीब लोग, उसके बारे में ज़रा गवर्नमेंट ने थोड़ी ढिलाई देना, वही बारे में यातायात शुरू करना, खेती के मजदूर के और कुछ गवर्नमेंट के भी सहारा होना, कुछ अनाज देना, तांदूल बांटे पीछे, वो तांदूल तो बांटे ही पर तांदूल के पीछे कुछ मिर्ची, मिर्कोट, हल्दी, कुछ कुछ पूरा चीज़ें होना था, कुछ कुछ सोच करना था गवर्नमेंट ने, वो करी नहीं, भूखे मर रहे बेचारे, कुछ के उसके घर में भेज रहे, वो बात अभी अभी राजकोट से कुछ बच्चे लाए स्कूल के भेजे और कुछ इधर के भी भेज रहे, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से ख्याल करके नियोजन कर रही। हाँ बोलो। तो इस लॉकडाउन के वजह से आपको सरकार तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई है? मिली तो ऐसी मिली, कुछ गवर्नमेंट ने चावल दिए थे हमारे घर के चार पांच लोग, मैं खेती नहीं कुछ नहीं, गरीब हाथ पर 25-30 किलो चावल मिले, गवर्नमेंट की बहुत शुक्रिया, नरेंद्र मोदी की शुक्रिया, उद्धव ठाकरे जी की शुक्रिया, पर इसके पीछे कुछ चीज़ें देना था, हल्दी, नमक और मिर्कोट, प्रवीण मसाला पुड़ी, साबुन, हाथ धोने का कुछ, और हमको कुछ मास्क दिए और अच्छा करे, चावल दिए अच्छा करे, पर और कुछ कुछ गरीब को होना ये चाहिए था, नहीं तो काम को जान देने की मौका देना, थोड़ा बहुत पुलिस को बोल के थोड़ा बहुत खाने को मिलेगा, काम करके घर के अंदर के जीवर मोड़ के खाएंगे क्या, मिट्टी खाएंगे लो घर के लो, गरीब लोग हम, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की आस है हमको, थोड़ा बहुत एक तो काम को जान देना, नहीं तो एक तरफ गवर्नमेंट ने कुछ अनाज खिलाना। मैं जो कह रहा हूँ इस लॉकडाउन के बारे में, सरकार ने बहुत अच्छी जो ये लॉकडाउन चालू है ये इसके लिए बहुत अच्छा है, और जो सरकार अगला जो ये सुविधा लॉकडाउन के वजह से सुविधा दूसरों को अच्छी सुविधा निकालना चाहिए। तो मेरा कहना पांडे साहब जी, सरकार तरफ से आपको क्या सुविधा होना चाहिए? गवर्नमेंट ने और को जाना व्यू देने को ना, कुछ गरीबों को कपड़े लत्ते देने को ना, कुछ कुछ खर्चे के लिए, भाजी पत्ती के लिए कुछ नहीं, घर में तो खाने पीने के बहुत हाल हो रहे, कुछ के सोच के कुछ 500 रुपये महीने 15-8 दिन का कुछ देने को ना, और समाज का सुधार होने के लिए गांव के बाजू में जो खड़ेदार है उसको अहदा बना के अच्छी झाकन करके डाल देना, सोच खड्डे करना, और जेने करके महाबीमारी फैलने की कोई चीज़ नहीं होने की, ये जो करी गवर्नमेंट ने खुद पैसे की, तो गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया रहूँगा, और ये देश की बहुत सुंदरता और स्वच्छता रहेंगी और बीमारी अपने आप चल जाएंगी। बोलो। और गवर्नमेंट ने ना वहाँ ने भी नीति नहीं छोड़ना, नीति के साथ रहना, कुछ भविष्यवाणी बता रहे, कुछ मिले भी आ रहे, कुछ टीवी पे बता रहे, बहुत अच्छी बात है, जो प्राणी हत्या नहीं होना, कुछ पक्षियों पक्षियों को पानी पिलाना, ये जो पुण्य का काम है, पठन
चंडिका का पठन, चालीसा पठन और कुरान का पठन, ये जो सब है वो धार्मिकता भी रहना चाहिए और नीति छोड़ना नहीं। नीति के पीछे आती हो है तो माती बनती रहती, ये तो सामान्य पहलू।